क्या हाल है आप साहब के। आज मैं आपके सामने सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। जो जो चीज़ें मुझे दरकार हैं, ये मैंने तकरीबन 1 कप सूजी जाएगी, 2 कप चीनी, 3 कप गरम गरम पानी होगा और साथ उसके मैं 1 कप गाजरों के डालूंगी और ये तकरीबन 3 फुल टेबल स्पून ये मैं घी के डाल रही हूँ। लेकिन ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। ये मेरे 3 टेबल स्पून घी डाला है। अब मैं इसमें ये 4 इलायची हैं जो मैंने क्रश कर ली हैं, इसमें डाल रही हूँ और साथ ही मैं सूजी डाल दूंगी। 1 कप सूजी का है उस। ये बहुत अच्छी तरह भुननी चाहिए, तेज आंच पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे बननी चाहिए। ये देखें जैसे मैंने रखी हुई है, इसकी हीट इतनी होनी चाहिए। ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, इसको बनने में देर नहीं लगती। ये देखिए माशाल्लाह, सर्दियों में भी अच्छा लगता है। वैसे भी कोई दावत वगैरह करनी हो तो मीठे में ये हलवा बहुत अच्छा लगता है। ये अभी इसको भुनने में कम से कम 3 मिनट और लगेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, मैं बाकी की चीज़ें डालूंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता लो हीट पे पक रहा है, क्योंकि सूजी जो है ना बिल्कुल लो हीट पे पकनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी हीट आप तेज़ करेंगे तो वो फिर जलने का होता है। ये देखिए माशाल्लाह एकदम प्यारा कलर इसका निकल रहा है। और जब सूजी अच्छी तरह भुन जाए तो खुशबू आ जाती है, इसका मतलब है कि वो रेडी है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई है, ये देखिए नाइस कलर। ये देखिए सूजी हमारी रेडी है। अब मैं इसमें ये 1 कप जो गाजरों का है ये मैं डालूंगी, और इसको ज्यादा नहीं हमने भूनना, सिर्फ 1 आध मिनट ना। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब मैं साथ ही इसके ना चीनी डालूंगी जो मैंने ये रेडी करके रखी है, 2 कप। यानी कि 1 कप सूजी है, 1 कप गाजर है और 2 कप चीनी है और 3 कप पानी जाएगा। ये भी ज्यादा नहीं करनी हमने, फिर इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। फटाफट बनने वाला हलवा है, इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ बनानी हो तो फटाफट बन जाता है। आप गाजरों को इसमें स्किप कर सकते हैं, गाजरें घर में नहीं है कोई बात नहीं है। ये मेथड याद रखेंगे, 1 2 3, यानी 1 कप सूजी, 2 कप चीनी, 3 कप पानी, तो बहुत अच्छा हलवा रेडी होता है। ये देखें अच्छी तरह मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी।
जब इतना पानी रह जाए, अच्छी तरह बबल बन जाए, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप ना लो हीट पे, ये देख कितना प्यारा कलर माशाल्लाह, येलो येलो। इसमें कलर येलो कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाजरें इसमें पड़ी हुई हैं, तो देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। जब इतना पानी रह जाए तो आप इसको लो हीट पे कर दें, बिल्कुल ना मैं इसको लो हीट पे करूँगी अबाउट 4 to 5 मिनट के लिए, तो फिर बाद में मिलते हैं जी। ये देखें ऑलमोस्ट हलवा हमारा रेडी है, देखिए माशाल्लाह। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से ये रेडी है। मैं अभी इसको ना डिश आउट करती हूँ, एक सेकेंड। ये देखें माशाल्लाह हमारा हलवा गोल्डन गोल्डन रेडी है, कितना प्यारा कलर है। आप बनाएं, आज ही बनाएं, फैमिली को खाएं, खुद खाएं, बच्चे आजकल घर में हैं, उनके लिए नई नई अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। और मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब करना है ना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप करेंगे भी। ये मैंने डिश आउट कर ली है, अब मैं गार्निश के लिए ये कुछ मेरे पास फ्रेश खोपरा पड़ा हुआ था, मैंने इसको पीसीज में कट किया है, और आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। और ये पिस्ता है जो इसको मैंने क्रश किया है, पीसना नहीं है आपने, बहुत बारीक नहीं होना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह हलवा हमारा रेडी है, खाएं, दुआओं में मुझे याद रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।